सुबह से लेकर शाम तक काम वाली रहती है, तो दिखाऊं भी क्या, काम ही रहता है। तो अभी मतलब यहाँ पे ना रामानो पूरा दिन यही है, इन्होंने सुबह से दिमाग खराब कर दिया, दिमाग का दही बना दिया, दही। मस्त हूँ तो सबसे तो माता रानी की दुआ से आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी आवाज़ इसलिए लड़खड़ा रही है ना कि यहाँ पे सब सोए हुए हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए तो यहाँ पे ना मतलब हम लहसुन के खेत में आ गए थे, व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे आरू बोली थी कि मुझे ना व्लॉग में दिखा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, तो मैं उसको ही दिखा रही थी व्लॉग में। और ना इस बार ना हमारे लहसुन के खेत में इतना घास मतलब बंजर जैसा हुआ था ना कि बहुत मुश्किल हुआ हमको लहसुन निकालने में। आगे तो मैंने बताया भी है कि हमने कि हमको कितनी आफत आई, तो ये मैंने आपको एक लहसुन निकाल के दिखाया है। आगे आप स्टार्ट वरना बहुत लेट हो जाएगी, तो आप लोगों को बीच बीच में मिलते रहेंगे क्योंकि खेती ऐसा और करना बिल्कुल सख्त कटकट्टा वाला ना, गढ़वाले में बोले तो बहुत क्या और का, गढ़वाले में बोले तो बहुत झाड़ और का, बेथू भांगड़ बहुत बहुत और का है। तो चलो चलते हैं, हमारी मदद करने दो लोग और आ चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दो लोग जो हमारी मदद करने आ रहे हैं, दो ये हैं दो कुत्ते। तो चलिए यहाँ से अपने गाँव को दिखाती हूँ। फदारी ऐसे खोदने में भयंकर वाली भयंकर, अभी भी इतना खेत बचा है, अभी थोड़ा सा ही खोदा है हमने, अभी भी इतना खेत बचा है। और इन दोनों के ड्रामे और झगड़े देख के ना काम और तो ऑलरेडी नहीं होना है। फिर आया बत रहा, ये दोनों इकट्ठा हो रहे हैं ना, फिर लड़ाई कर रहे हैं। ये देख डोटियाल भयंकर फदारी है, कैसे होगा भयंकर। तो यहाँ पे हमारा काम करते करते एक चैलेंज भी हो गया था, मतलब मम्मी और ये दो बच्चे एक टीम में थे, तो हमने ना चैलेंज ये रखा था कि जो इस पेड़ को उखाड़ लेगा ना वो 100 रुपये जीत जाएगा। तो पहले तो इन दोनों ने जी जान वाली मेहनत लगाई, भयंकर वाली मेहनत, और बाद में देखो फिर क्या हुआ। आप लोग भी देखोगे ना, वो खुद हंसते पागल हो जाओगे, हम तो बहुत हंसते बहुत। तो देखो इस पेड़ के पीछे की गाँव की लाइफ ना इतनी भी आसान नहीं रहती है, बहुत बहुत सारी मुसीबत होती है। एक तो इतना बंजर ऊपर से खोदना, ऊपर से वो टूट जा रहा है। चलो फिर तब ये हो रहा है खेत में ड्रामा, काम काज कुछ नहीं हो रहा पर ड्रामे करने के लिए आ गए। ये देखो ये इसे ऐसा चिपक रही है ना जैसे जड़ की फेविक्विक, इतनी तो एक बेटी अपनी माँ से नहीं चिपकती है जैसे ये चिपक रही है, हैं मखान। ये देखो कसम से, हाँ जा तो लहसुन लेके जा, प्रॉमिस है तेरे से, थी दूल्ले दूल में 20 रुपये ठीक से, इना तो गौर नहीं, ये सब इससे लड़ रहे, ये सब के सब इससे लड़ रहे, एक लड़की से ये सब के सब लड़ रहे है ना। तो ये परमानेंट रहा ना, तो 2 दिन रहो ये दे। ये हो रहा काम, छुप रहे ना जड़ के, सकल कत्ता ही होगी हीरो वाली जैसे कि नजर लग दे लग रही इन पे, ने काम करते नहीं तो आज काम नहीं होगा। तो
कानू को कानू की गर्लफ्रेंड का पता चल गया। बबली बबली तेरो मोबाइल इसमें डालेंगे। तो अभी हम ना हमने लहसुन को निकाल के, ये लहसुन हमारे निकाल चुके हैं, अब इनकी बांधेंगे हम गड्डी, और फिर गड्डी बना के इनको क्या करते हैं, सुखाया जाता है घर पे। तो एक एक करके ऐसे ऐसे करके इनकी मतलब एक ही साइज में रखना पड़ता है इनको, और जो इनकी ये तने हैं इनको ऊपर रखना करना पड़ता है। तो ऐसे करके कुछ इसी इस प्रकार से गड्डी को बनाते हैं। तो ऐसे कर दिया हमने, ये लहसुन हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसके बीच से ना ये जो हरी पत्तियां हैं ना, सूखे वाले को तो नहीं लेंगे, जो हरी पत्तियां हैं उनको ऐसे लेंगे, मतलब इतनी पत्तियां ले ली हैं। कहाँ है, इतनी पत्तियां ले ली हमने। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करके एक को उधर डालेंगे, एक को इधर लाएंगे, और बीच में इसको क्या करेंगे, बांध देंगे कुछ इस प्रकार करके, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, फिर इसके अंदर ऐसे डाल करके, तो ये हो जाएगी हमारी गठरी। तो ये होगी हमारी गठरी तैयार। तो कुछ इस प्रकार से बांधते हैं लहसुन को, ताकि ये अच्छे से सूख सके और इनके अंदर पानी ना जाए। इसको सुखाते हैं हम घर पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि आप लोगों के घर में कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से देखते हैं, तो उनके वहाँ पर कैसे किया जाता है ज़रूर बताना कमेंट में। हमारे यहाँ पे तो इसी प्रकार से सुखाया जाता है लहसुन को। फिर जब ये पूरा सूख जाता है, फिर इसकी कटिंग करके, फिर इसको पूरा छिल छुल के अच्छे से साफ करके, वाइट करके, उसके बाद इनको बेचा जाता है। तो आप लोगों को भी अगर लहसुन चाहिए होगा तो संपर्क कर। बहुत हमने निकाल दिया है, हमने इतना निकाल दिया है, इतना 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 ये सारा हमने निकाल दिया है। अभी घर जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पापा आने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे एक दो गड्ढा ये ले जा रहा, मम्मी ले जा रही, बहन ले जा रही, और मैं ले जाऊंगी। और यहाँ पे सोल्टी भी तैयार है लहसुन की, सोल्टी ले जा रही मिस्तिया। तो मेरे चप्पल हो चुके हैं गायब। कुटा कहाँ जा, बारिश नहीं आएगी तो शाम को भी हमें हम आएंगे खेत में, आएगी बारिश तो नहीं आएंगे। ओ खेत में मिला मुझे 500 रुपए, 500 रुपए मिल गए मुझे खेत में। नकली है वो चिल्ड्रन, असली है, असली असली नकली पैसा। दिखा तो तेरे ऊपर उड़ा देती हूँ पैसा। धन्यवाद। चलो चलते हैं घर, खाना बनाने। मैं लौटा रखे ये रुपये, हा हा हा। मेरा एक चप्पल खो गया, चप्पल मैंने लुका दिया, यहाँ में चप्पल खो गया, चप्पल ही खो गया। तो यहाँ पे हो रहा हमारा दिन का खाना, कड़ी चावल, घर के चावल बने थे आज, ये रेड वाले चावल। कड़ी हो चुकी है समाप्त, कढ़ाई जा चुकी है बीच में, तो कड़ी कहाँ से दिखाऊं। यहाँ पे पापा खा रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलना, जब खा दे तब आ जाओ खाने का। वहाँ पे मम्मी खा रही है, वहाँ पे तीनों के तीनों बैठे हैं कढ़ाई में। मेरा थाली हो चुका है चट, गांव के बच्चे भी इतने मेहनती होते हैं ना, इतने दूर से पानी लाते, कर दूर बलहने तो पैन अका दे करो हुण, इतने मेहनती बच्चे हैं हमारे, है ना मुझसे करो हुण ना, है के कंता घर में पैणा नोनी ये बे ये अनन ने कर सुनना लागड़े हो ए परे के लगा है, है परे के लगा है, है परे के लगा ना, करे ना करो नी परेशान ना कर, ना कर मैं लगा बोले परे मैंने वहां लगा वो कर सुंदर लागे ती छुट्टी के बना है परे इतनी सुंदर चुटिया क्या बनाई दी है,
ते का देखो पैन पैन होना जी अभी हम चाय पानी पी के मतलब चाय पी के अभी फिर से जाने लग गए हैं खेत खेत बोले तो लहसुन निकालने के लिए क्योंकि अभी पूरा खेत बाकी है और मम्मी दे रही भैंस को घास सब अपने अपने काम को चले गए और अभी ना पापा भी हमारे साथ है और मम्मी ना पीछे से डांट रही है कि ब्लॉग बनाते रहे एडिट मत कर डाल मत और अभी मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों पर नहीं कर रही मैं अभी एडिट सिर्फ बना रही हूँ फिर एडिट करूँगी फिर डालूँगी और पापा भी जा चुके हैं खेत लहसुन निकालने के लिए और हम अभी जा रहे हैं आज तो डांट पड़ने का फुल फुल चांस है एक घंटे पहले जा चुके हैं पापा एम पूरा द्वार खुले यार जो यहाँ की जो लाइफ रहती है ना वो तो पूरा दिन काम वाली ही रहती है पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम वाली रहती है तो दिखाऊँ भी क्या काम ही रहता है तो अभी मतलब यहाँ पे ना सोने का भी नहीं होता मतलब अगर सोना भी किसी को है अगर किसी की आदत है तो वो आधा घंटे ही सो सकता है वरना लोग 2:30-3 बजे ही चले गए थे खेत में हम तो अभी जा रहे हैं तो गांव की लाइफ बहुत टफ रहती है तो मैं मम्मी को ये बोली थी अगर मैं गांव में रहती तो मेरी हालत क्या रहती क्योंकि मैं दिखाऊंगी ना मेरे हाथ फट के मतलब इतने फट चुके हैं ना मेरे हाथ पता नहीं क्यों और पैरों पे तो इतने बड़े बड़े चीरे पड़ चुके हैं बोले तो फाड़े पड़ चुके हैं आ चुके हैं हम घर और घर आके मैंने ना हाथ मुंह धोके ना जो मम्मी ने अपने लिए ग्रीसलीन रखा था उसे थपोड़ दिया है मुंह पे बहुत ज़्यादा क्योंकि मुंह ना बहुत ज़्यादा फट गया था तो मैंने छक छक लगा लिया है वो इसीलिए मैं बिल्कुल चिपली लग रही हूँ और मम्मी के साथ यहाँ पे बैठी थी उधर बहन खाना बनाने की तैयारी कर रही है और आज बन रही है निंगड़े की भुच्ची और हम दो बहनों का थोड़ा सा आपस में झगड़ा हो चुका है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आज निंगड़े की भुच्ची कल परसों बनाएंगे तो आपका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाते हैं तो आज तो मैं उधर नहीं जा रही हूँ सिर्फ खाते समय दिखाऊंगी कि निंगड़े की भुच्ची को और वहां पे बैठी है मम्मी जी चेयर पे और फोन में आजकल ना लड़कियों का तो हुआ हुआ ध्यान फोन पे ना कसम से और तो इतने इतने बुढ़ू बुढ़ू लोगों का भी फोन पे ध्यान है और बोल रहे तो बोल रहे कि तुमको फोन चाहिए बुड्ढू को फोन नहीं चाहिए बस क्या बोलना है मैं टाइम पास करना है और मेरे नहीं आंखों के जो साइड साइड है ना वो भी फट रहे हैं धूल में रह रहे के तो यहाँ पे ना मतलब मम्मी इतनी जोर जोर से बात कर रही थी ना फोन पे कि मुझे ना वॉइस ओवर करना ही पड़ा क्योंकि बहुत पीछे से ना बहुत साउंड आ रहा था तो यहाँ पे ना सीमा यहाँ पे दिख नहीं रही होगी आपको क्योंकि जैसे मैं खाना खाने आई वो चली गई थी मैंने जैसे बताया था झगड़ा हुआ था हमारा तो उसने बनाई थी निंगड़े की भुच्ची और यहाँ पे मम्मी ने तब भर भर के गिलास दूध दिया था मेरे को ये होता है ना मम्मी लोगों का कि पी 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 करके तो ये गिलास फुल पीना था मुझे तो मैं ऐसे बता रही थी ना आप लोगों की कि अपना फ़ोन में लग गया मेरे को पिला दिया करके तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप अपना मुझे ढेर सारा प्यार देना और सपोर्ट करना मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए स्वस्थ रहें मस्त रहें।